अरे मान रही मैं, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज देखेंगे, मैंने दो प्लाज़ो स्टिच किए हैं, एक 2 साल के बच्ची का और एक 6 साल के बच्ची का। तो आज मैं आपके साथ इनकी वीडियो शेयर करूंगी, इनकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी फुल मेजरमेंट के साथ। 2 साल के बच्ची की मेजरमेंट की है सेम उसी मेथड से, 6 साल के बच्चे की भी आपने बस मेजरमेंट जो है ना अपने हिसाब से लेनी है, लेंथ और विड्थ बड़ी करनी है और बाकी मेजरमेंट सेम वही है। तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ इनकी कटिंग और स्टिचिंग। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो चले मैं आपको सिखाती हूँ इनकी कटिंग और स्टिचिंग। जी फ्रेंड, तो जो अभी मैंने आपको ट्राउज़र दिखाया 2 साल के बच्ची का, ये प्लाजो हम बना रहे हैं और इसकी लेंथ मैंने टोटल ली है 27 और 27 में से 2 मैंने ऊपर से इसका मार्जिन नेफे का छोड़ा है और 2 ही मैंने जो है इसका नीचे से छोड़ा है मार्जिन नीचे फोल्डिंग के लिए, पांचे की फोल्डिंग के लिए। तो बाकी फिर रह जाएगा हमारे पास 23 इंच की टोटल लेंथ रह जाएगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मार्किंग किस तरह से मैंने की है। 2 इंच की मार्किंग यहाँ से मैंने की है और यहाँ से आपने जो आसन का चौड़ाई रखनी है वहाँ यहाँ से ये देखे तकरीबन 9 साढ़े 9 इंच आ जाएगी। और हिप्स की जो चौड़ाई है आपने इधर ये देखे 10 इंच की ये चौड़ाई आ गई। और अब ये देखें मार्किंग आपने इस तरह से करनी होती है, मैंने इसको इस तरह से किया है मार्किंग। अभी मैं दूसरे ट्राउज़र बड़े ट्राउज़र पे मार्किंग करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। तो अब इसकी कटिंग करते हैं, ये कटिंग के लिए हमारा रेडी मार्किंग करके रेडी हो चुका है। तो अब इसकी मैं कटिंग करती हूँ, इसमें ला रहा हूँ ये यूँ आ जाएगा। और यहाँ से आपने थोड़ी सी हल्की सी शेप देनी होती है ट्राउज़र की, बेल बॉटम के ट्राउज़र की इस तरह से शेप आती है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। तो ये इसकी कटिंग हो चुकी है, अब इसको हम स्टिच करते हैं और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो सेम इसी मेथड से मैं जो है ना बड़ा 6 साल की बच्ची का भी आपको दिखाती हूँ स्टिच करके। फ्रेंड, तो ये देखे ट्राउज़र मेरा रेडी हो चुका है जिसकी कटिंग मैंने आपको सिखाई थी। ये 2 साल की बच्ची का ट्राउज़र्स जो है बेल बॉटम वाला ट्राउज़र किस तरह से आप बना सकते हैं, इसकी कटिंग स्टिचिंग मैंने आपको सिखाई है। तो ये देखे ये रेडी हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास 6 फ्लावर ये मेरे लेस के बचे हुए थे, थोड़ी सी 6 फ्लावर उसमें थे, थोड़ी सी बची पड़ी थी तो ये मैंने लगा दी हैं इसके बॉटम पर, छोटी बच्ची के 2 साल की बच्ची के बॉटम पर मैंने ये 3 इस तरह से लगा दिए हैं, एक इधर एक इस तरह से इधर लगा दिया है और एक इधर और एक फिर इसके ऊपर इस तरह से, ये 3 मैंने इसके ऊपर फ्लावर लगा दिए और यही बचे थे तो ये इस छोटे ट्राउज़र पे लगाए हैं। अब मैं आपको बड़ा 6 साल के बच्चे का ट्राउज़र भी दिखा देती हूँ, सेम उसी मेथड से कटिंग की गई है और बस सिर्फ आपने साइज़ रखना है अपने हिसाब से। और ये देखिए ये 6 साल के बच्चे का ट्राउज़र भी रेडी हो चुका है, उसी तरह से मैंने ऊपर और नीचे ये गोटी वाली लैस लगा दी है और इसके सेंटर में अभी कुछ नहीं लगाया, देखूँगी मैं अगर बाज़ार चक्कर लगा तो कोई फ्लावर वगैरह ले आऊँगी इसके लिए भी। तो ये ट्राउज़र आप देख सकते हैं दोनों रेडी हो चुके हैं और अब मैं आपको इनके फ्रॉक की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह इनके फ्रॉक की वीडियो शेयर करूंगी। तो आप इस तरह से अपनी बच्चियों के ईद के लिए बहुत ही प्यारे ड्रेसेस बना सकते हैं। तो मिलूंगी चल नई वीडियो में, ये थी ट्राउज़र्स की वीडियो। आई होप आपकी इनकी कटिंग स्टिचिंग अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। मिलूंगी इंशाल्लाह नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।